वी आर सराउंडेड बाय द एयर इन ऑल डायरेक्शन, और इसी एयर को जो हमारे सराउंडिंग में एक्सेसिव अमाउंट में है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इट एक्सटेंड्स टू अ फ्यू किलोमीटर अबव द सी लेवल। आपकी बुक में इतनी इंटरेस्टिंग सी बात लिखी है कि जिस तरह कुछ सी क्रिएचर्स हैं जो कि ओशन के बॉटम में रहते हैं, तो इसी तरह वी लिव एट द बॉटम ऑफ अ ह्यूज ओशन ऑफ एयर। यानी कि अगर हम अपने एटमॉस्फेयर से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाते हैं तो जो बेसिकली डेंसिटी ऑफ एयर है ना वो कम से कम होती जाती है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर की प्रॉपर्टी है कि वो ऑल डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा होता है। आप बुक में इस बैलून वाली फिगर को भी देख सकते हैं कि कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हर तरफ से बैलून पे अप्लाई हो रहा है। देखें, एक बैलून जो होता है ना, जब हम उसमें एयर फिल करते हैं तो वो आपको पता है कि हर तरफ से एक्सपैंड होता है। किसी एक ही डायरेक्शन में एक्सपैंड नहीं होता, बल्कि स्फेरिकली वो एक्सपैंड होता है। आए इस चीज़ को कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ऑल डायरेक्शन में अप्लाई होता है, इसको सीखते हैं आपकी बुक में गिवन एक्सपेरिमेंट से। आप एक कैन लें और उसमें वाटर फिल करके उस कैन को फ्लेम पर रख दें। जब तक वाटर बॉयल ना हो जाए और सारी की सारी स्टीम जो है वो एयर को कैन से बाहर ना निकाल दें, उसके बाद कैन को फ्लेम से हटाने के बाद बाय द हेल्प ऑफ लिड उसे क्लोज कर दें, एंड देन उस कैन को टैप वाटर के नीचे रखें। टैप वाटर के गिरने की वजह से कैन का टेम्परेचर डाउन होगा, कम होगा, और जो स्टीम इनसाइड द कैन है वो कंडेंस होकर वाटर बन जाएगी। इसकी वजह से स्टीम कुछ एम्प्टी स्पेसेस छोड़ देगी कैन में, और कैन के इनसाइड और आउटसाइड प्रेशर में फ़र्क आ जाएगा, और एज अ रिजल्ट कैन कोलैप्स हो जाएगा फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। यानी कि इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चल रहा है कि कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सारी की सारी डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा होता है। अब इसके बाद आता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कैसे किया जाता है। तो मैं आपको बताता चलूं कि द इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर, और सबसे सिंपलेस्ट बैरोमीटर मर्करी बैरोमीटर है, जो कि 1 मीटर लॉन्ग क्लोज ग्लास ट्यूब से मिलकर बना होता है। अब होता यूँ है कि इस ट्यूब को फिल करके ट्रफ में इन्वर्ट करके रखा जाता है। ट्यूब से मर्करी आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरना शुरू होता है और फिर एक स्पेसिफिक हाइट पर आके स्टॉप हो जाता है, और यूजुअली ये सी लेवल में ट्यूब पे 76 सेंटीमीटर पे आके रुकता है, विच शोज दैट द प्रेशर एग्जर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम इज नियरली 101,300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एक बात तो तय है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि हाइट के चेंज होने से वेरी होता रहता है। अब अक्सर इसके अलावा ये सवाल पूछा जाता है कि वाई वी यूज मर्करी बैरोमीटर, वाई नॉट वाटर बैरोमीटर इज यूज। तो इसका सिंपल सा आंसर ये है कि मरकरी इज 13.6 टाइम्स हैवियर देन वाटर, और यू नो कि मरकरी 76 सेंटीमीटर पर रुक जाती है ग्लास ट्यूब में, जबकि वाटर को रोकना हो तो उसके लिए आपको पता है कि 10.34 मीटर की लेंथ रिक्वायर होगी, यानी कि हमें 10 मीटर से भी ज़्यादा बड़ी ग्लास ट्यूब रखनी होगी इफ़ वी यूज़ वाटर इन अ बैरोमीटर टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए, मैंने आपको इसी लेक्चर के शुरू में बताया कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता, बल्कि प्लेस टू प्लेस वेरी होता रहता है। फॉर एग्जांपल, माउंटेन पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू द सी लेवल। एट द हाइट ऑफ अबाउट 30 किलोमीटर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम ओनली 7 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 1000 पास्कल, और यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो हो जाता है जहाँ पर एयर जीरो हो जाए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ना वो चेंज इन वेदर के बारे में भी बता रहा होता है, लाइक गर्मियों में एयर के एक्सपैंड होने की वजह से प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और सर्दियों में बिल्कुल इसके ऑपोजिट प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होने की सूरत में वेदर चेंज होता है। अब इसमें भी थोड़ी इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि अगर चेंज तो माइनर हो मगर एक्शन उसका रैपिड हो, तो इसका मतलब फॉर श्योर है कि उस रीजन में रेनफॉल होगी। ठीक है, एंड आई होप कि आपको पता चल रहा होगा कि कैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इफेक्ट करता है हमारी डेली लाइफ को, और आई होप कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करना भी आ गया होगा। अभी तक के लिए फिलहाल इतना ही। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में प्रेशर ऑफ अ लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे।